दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूरे विश्व के साथ हमारे देश पर भी कोरोना का व्यापक असर पड़ा है और हालात को सामान्य होने में शायद दशकों लग जाएं। कोरोना के असर के क्रम में बच्चों पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम अपने बच्चे को सामान्य जीवन में वापस कैसे लाएंगे। स्कूल्स बंद हो जाने के कारण एक तरफ तो बच्चे का एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली धराशायी हो गया है, तो दूसरी तरफ उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। बच्चों की डेली रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन के बाद हम अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे और उनके डेली रूटीन को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। तब जबकि स्कूल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं और कोरोना का असर कम होता जा रहा है, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी को और उनकी पढ़ाई को नॉर्मलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सबसे पहले हमें ये निर्णय लेना होगा कि जिन राज्यों में स्कूल्स खुल गए हैं, हमें कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देना है। स्कूल भेजने से पहले आप अपने बच्चों को कोविड के सुरक्षा के नियमों को विस्तार से बताइए। उन्हें बताइए कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, चीज़ों को शेयर नहीं करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आदि के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दीजिए। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करिए कि आपका स्कूल आपके बच्चों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय कर रहा है, और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाने के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करिए। दोस्तों, होम लर्निंग या डिजिटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर यह स्कूल की जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता। इसलिए होम लर्निंग, चाहे वो डिजिटल हो या होम ट्यूटर बेस्ड, इस बात को बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का बहाना मत बनाइए। एक बार फिर से जानिए कि स्कूल की जगह कोई नहीं ले सकता। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दीजिए। स्कूल नहीं भेजने का आपका ये निर्णय आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पीछे धकेल देगा। अब चूंकि बच्चों की आदत बदल गई है, ऐसे में स्कूल जाने से बच्चों का कतराना या उनका बहाने बनाना एक सामान्य सी बात है। इसके लिए आपको उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें बताइए कि वो पहले ही की तरह अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को पूरा करने में अपने बच्चों की मदद कीजिए। कुछ दिन उनकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा कड़ा रवैया मत अपनाइए। उन्हें नॉर्मल साइकिल में आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। बच्चों की एकेडमिक गलतियों को या कमज़ोरी को ज़्यादा गहराई से मत लीजिए। इस समय बच्चों का एकेडमिकली सामान्य से ज़्यादा कमज़ोर होना स्वाभाविक है। उन्हें बताइए कि वो बढ़िया कर रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभव है तो आफ्टर स्कूल अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके साथ खेलिए, मज़े करिए। बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद अगर संभव हो तो उन्हें नहा धुला दीजिए, साथ ही उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखिए। हालांकि कोविड से बच्चों में संक्रमण होना बहुत कम पाया गया है, फिर भी सावधानी हमेशा बेहतर होती है। अपनी आर्थिक परेशानियों को बच्चे के सामने डिस्कस मत कीजिए। उन्हें यह जानने दीजिए कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ पहले की तरह ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका आभार। आपका दिन शुभ हो।